पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको कवि परिचय बताया था, आज हम आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मानवीकरण अलंकार का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए, मेघ को कवि ने कहा कि वो बंठन के आए हैं, तैयार होके आए हैं। कैसे? जैसे कोई अतिथि आता है, कोई गेस्ट, दामाद जैसा, जो कभी कभी आता है। दामाद ऐसा अतिथि है जो सदैव नहीं आते, बार बार नहीं आते, और एक बार बहुत बहुत दिन पे आते हैं। तो बादल भी बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेघ आए बड़े मंथन के सवर के। मेघ जो घुंघराले से दिखते हैं, तो कवि को लग रहा है मानो मेघ सज धज के आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। गांव में जब कोई अतिथि आता है तो उसके आगे आगे उसका स्वागत करने के लिए जिस प्रकार छोटे बच्चे किलोल करते हैं, आगे शोर मचाते हुए चलते हैं, वैसे हवा चल रही है छोटी बच्ची की तरह नाचते गाते हुए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। हवा के जोर से खिड़की और दरवाजे खुलने लगते हैं। तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है मानो गांव में आए हुए अतिथि को देखने के लिए सभी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल रहे हैं। पाहुन जो आए हूँ गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब कवि कहता है कि मेघ जो है वो बड़े बंठन के सवर के आए हैं, बहुत तैयार हैं, सजे धजे हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर में रहने वाला प्रवासी अतिथि, गेस्ट जो है, पाहुन जो है, दामाद को पाहुन भी कहते हैं, वो गांव में आ गया हो। बड़े ही आनंद की वेला है, मेघ जो है सज धज के बंठन के आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ गांव के युवाओं का प्रतीक है, जो झुक झुक करके गर्दन ऊपर कर करके देखते हैं कि किसके घर में अतिथि आया है। तो जब बादल आते हैं तो उससे पहले हवा चलती है और पेड़ की डालियां ऊपर नीचे होती हैं। तो कवि को लगता है कि पेड़ रूपी युवक जो हैं वो गर्दन ऊपर नीचे करके देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। में बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आंधी चली तो धूल जो उड़ती है उल्टी, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि छोटी बच्चियां अपने बड़े बड़े घाघरा को फ्रॉक के ऊपर दोनों हाथ से पकड़ के दौड़ रही हों। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और नदी की जलधारा जो ऊपर नीचे होती है, तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो नदी रूपी ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वो घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, उन्होंने घूंघट सरका के आने वाले अतिथि को देखा और झट से अपने घूंघट को फिर गिरा लिया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्यों? क्योंकि गांव में शहर के अतिथि रूपी मेघ जो हैं वर्ष भर बाद बड़े बंठन के सवर के आए हैं। धन्यवाद।